गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? ओके, लेट्स स्टार्ट द सेकेंड चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी. द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. सी, ग्लोब तो आप सभी ने देखा होगा, है ना? अब ग्लोब के ऊपर कभी आपने ध्यान से देखा, ये ऐसी धारी लाइंस बनी होती हैं, जो ऐसे हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं ना, इसको हम लॉन्गिट्यूड्स, और जो वर्टिकल लाइंस है ना उसको हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं. जैसे आपको ये इमेज में दिख रही है ना, ऐसी लाइंस बनी हुई होती हैं. तो इन सब के बारे में हम आगे और डिटेल्स में पढ़ेंगे. लेट्स सी, उससे पहले हम जानते हैं कि अबाउट आवर अर्थ. ठीक है, यू नो दैट द अर्थ इज़ अ स्फीयर. एट प्रेजेंट इट इज़ पॉसिबल टू टेक फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ फ्रॉम स्पेस विच शोज दैट द इट इज़ स्फेरिकल. देखो, हम सब जानते हैं कि अर्थ का जो शेप होता है वह स्फेरिकल है. ठीक है, और स्फेरिकल तो आप सभी जानते हैं, हल्का सा गोल मगर हल्का सा चपटा. और अभी के टाइम पे हमारे पास सैटेलाइट्स हैं बहुत सारे, तो हम अर्थ की फोटोग्राफ स्पेस से जाकर खींच सकते हैं, हमें मिल जाती हैं. लेकिन बहुत समय पहले, थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो, जब हमारे पास सैटेलाइट्स वगैरह नहीं थी, तो पीपल हैड नो वे ऑफ नोइंग व्हाट आवर प्लैनेट लुक्ड लाइक. तो हम लोगों, जो लोग थे, पीपल थे, उनके पास ये कोई तरीका ही नहीं था उनके पास ये जानने का कि हमारा अर्थ किस तरीके का दिखता है. टू गेट अ बेटर आइडिया अबाउट द अर्थ, टू बी एबल टू विजुअलाइज इट एंड टू नो वेयर एग्जैक्टली द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस लेज ऑन इट्स स्फेरिकल सर्फेस, द एंशियंट पीपल क्रिएटेड द ग्लोब. तो हमारा अर्थ कैसा है, इस चीज़ को अच्छे से जानने के लिए कि कहाँ पर ओशियंस हैं, कहाँ पर लैंड एरिया है, तो ये सब चीज़ें देखने के लिए, ये सब चीज़ों को अच्छे से जानने के लिए जो एंशियंट पीपल थे, उन लोगों ने ग्लोब बनाया. ठीक है, उन्होंने ग्लोब बनाया. सी, ग्लोब्स आर ऑफ डिफरेंट साइज एंड टाइप्स. देयर आर लार्ज, स्मॉल एंड इनफ्लेटेबल पॉकेट ग्लोब्स. बहुत अलग अलग तरीके का ग्लोब होता है, ठीक है, जो कि अलग अलग साइज, अलग अलग शेप्स में पाए जाते हैं. ठीक है, ये जो ग्लोब था, ये कब बना था? ये 150 BC के लगभग में बना था. ठीक है, 5th century BC के लगभग में बना था. सो व्हाट इज़ ग्लोब? ग्लोब इज़ अ थ्री डायमेंशनल मिनियचर मॉडल ऑफ द अर्थ. इट इज़ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ. ये एक तरीके का थ्री डायमेंशनल छोटा सा मॉडल है अर्थ का, जो कि छोटा सा मॉडल है अर्थ का, जो कि हमें दिखाता है कि हमारा अर्थ किस तरीके का है. ये एक तरीके के ट्रू रिप्रेजेंटेशन है अर्थ का. इट इज़ मोर एक्यूरेट देन अ फ्लैट मैप. ग्लोब जो होता है वो मैप से ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है, क्योंकि इसमें आप ओशियंस और ग्लोब के चारों तरफ से हम ग्लोब को देख सकते हैं, अर्थ को, कि मतलब कहाँ कैसा है. लेकिन मैप में हम एक साइड का ही देख पाते हैं. इट ऑल्सो गिव अस करेक्ट शेप एंड साइज ऑफ कॉन्टिनेंट एंड कंट्रीज एंड शोज डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस विच डिस्ट्रॉक्शन डिस विदाउट एनी डिस्ट्रॉक्शन. मतलब अर्थ जो ग्लोब से हमें कॉन्टिनेंट, कंट्रीज़ में किस में कहाँ से कितना डिस्टेंस है, किस डायरेक्शन में है, ये सारी चीज़ें बिना किसी चेंजेस के हम लोग आसानी से देख पाते हैं. ग्लोब्स आर ऑफ डिफरेंट साइज एंड टाइप्स. देयर आर लार्ज एंड स्मॉल एंड इनफ्लेटेबल पॉकेट ग्लोब. अपार्ट फ्रॉम बीइंग यूज टू लोकेट प्लेस, ग्लोब्स आर ऑफन यूज टू प्लान लॉन्ग डिस्टेंस सी रूट्स एंड एयर रूट्स आर कॉल्ड ग्रेट सर्कल रूट्स. दे आर ऑल्सो यूज टू डिटरमाइन द रूट्स ऑफ सैटेलाइट्स. सही, ग्लोब्स जो हैं वो अलग अलग साइज के, अलग अलग शेप, छोटे बड़े साइज के आते हैं, अलग अलग तरीके का आता है. जैसे कोई ऐसे ब्लू कलर में दिखता है, कोई कोई ट्रांसपेरेंट ग्लोब्स भी दिखते हैं, है ना. मार्केट में आप बहुत तरीके का ग्लोब देख सकते हैं. बहुत सारे छोटे ग्लोब्स भी होते हैं जिसको आप छोटे से बैग में भी रख सकते हैं. कई बार बड़े ग्लोब्स होते हैं जो स्कूल या ऑफिस वगैरह में आप देखते हैं, घर पर भी बहुत लोगों के पास होता है. जो ग्लोब होता है, इसके थ्रू हम लॉन्ग डिस्टेंस सी रूट हो या एयर रूट्स हो, इनको प्लान करते हैं, जिसको हम ग्रेट सर्कल रूट्स भी कहते हैं. ठीक है, दे आर ऑल्सो यूज टू डिटरमाइन द रूट्स ऑफ सैटेलाइट्स. ग्लोब्स के थ्रू हम सैटेलाइट्स का जो रूट होता है वो भी डिटरमाइन करते हैं, वो भी पता लगाते हैं. रेफरेंस ऑन ग्लोब्स. ग्लोब पर होता क्या क्या है, ग्लोब पर हम क्या क्या देखते हैं. सी,
the earth spins around an imaginary line called the axis. अर्थ जो है आप सभी जानते हैं, इससे लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सोलर सिस्टम, उसमें हमने देखा था कि अर्थ जो है अपनी एक धुरी पर घूमता है. तो अर्थ जो है अपनी जो एक्सिस में एक इमेजिनरी लाइन है जिसमें वो अर्थ धीरे धीरे घूमता रहता है और उस लाइन को हम एक्सिस कहते हैं. ठीक है, द टू एंड पॉइंट्स एंड द सी आप इसमें देखिए, द टू एंड पॉइंट्स ऑफ द एक्सिस आर नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. ये ऊपर में देखिए नॉर्थ पोल है और यहाँ नीचे साउथ पोल है. ये जो अर्थ होता है ये दो पॉइंट्स पर टिका हुआ होता है, एक साउथ पोल एंड दूसरा नॉर्थ पोल. द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज टिटल एट एन एंगल ऑफ 23.5 degrees. जो एक्सिस है अर्थ की वो हल्का सा टेढ़ा है, मतलब थोड़ा सा ऐसे फैला हुआ है तो वो हल्का सा टेढ़ा हो जाता है. अर्थ पूरा सर्कल में एकदम स्ट्रेट नहीं रहता है, वो हल्का सा झुका हुआ होता है 23.5 degrees के वर्टिकल में. अनदर इमेजिनरी लाइन अराउंड रनिंग अराउंड द ग्लोब फ्रॉम इट्स मिडल इज कॉल्ड द इक्वेटर. सी बीच में अर्थ के एकदम सेंटर से जो लाइन गुजरती है उसे हम इक्वेटर कहते हैं और उसे हम ग्रेट सर्कल भी कहते हैं. ठीक है, अब इसमें आपको बहुत सारी और लाइन्स दिख रही हैं जैसे लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड्स. जो ऐसी लंबी लंबी लाइन्स हैं ना उसको हम लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, और जो ऐसे हॉरिजॉन्टली लाइन्स खींची हुई है ना इसे हम लैटिट्यूड्स कहते हैं. और अर्थ देखिए जहाँ जहाँ से डिग्री वाइज डिवाइडेड है, अलग अलग है ना. इस सब के बारे में हम आगे स्लाइड्स में पढ़ेंगे. लेट्स सी See the earth divides into the equator divides the earth into two halves, the southern hemisphere and the northern hemisphere. इसे लास्ट वाले स्लाइड में आपने देखा था कि जो इक्वेटर है वो अर्थ को बिल्कुल बीच से डिवाइड करता है. तो जब वो बीच से डिवाइड करता है तो उसका ऊपर का जो पार्ट होता है वो नॉर्थन हेमिस्फेयर कहलाता है और नीचे का जो पार्ट होता है साउथर्न हेमिस्फेयर कहलाता है. द एब्सोल्यूट लोकेशन ऑफ अ प्लेस इज इट्स लोकेशन यूजिंग अ रिकॉग्नाइजिंग इन कोऑर्डिनेट सिस्टम फ्रॉम द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. ये जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है इसके थ्रू हम किसी भी प्लेस का एब्सोल्यूट लोकेशन क्या है वो पता कर सकते हैं. लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइन्स दैट सर्कल द अर्थ. लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है वो एक इमेजिनरी लाइन्स है जो अर्थ को चारों तरफ से घेरी हुई हैं. द लैटिट्यूड सर्कल्स द अर्थ हॉरिजॉन्टली एंड वाइल द लॉन्गिट्यूड सर्कल द अर्थ वर्टिकली. जो हॉरिजॉन्टली जो लाइन्स ऐसे आप क्रॉस क्रॉस देख रहे हैं ना, जो हॉरिजॉन्टली लाइन्स हैं वो लैटिट्यूड्स कहलाती हैं और जो वर्टिकल लाइन्स हैं ना वो लॉन्गिट्यूड्स कहलाती हैं. ठीक है, दीज टू सेट ऑफ लाइन क्रॉस ईच अदर एट द राइट एंगल. अब जब हम ऐसे लाइन्स खींचते हैं तो ये दोनों लाइन्स कहीं ना कहीं टकराती हैं, तो जब ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे को हमेशा राइट एंगल पर क्रॉस करती हैं. लेट अस स्टडी अबाउट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स. दीज आर इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉन हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकल ऑन द ग्लोब टू फाइंड लोकेशन. इक्वेटर इज द लार्जेस्ट सर्कल. द इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉन पैरेलल टू इक्वेटर एज टर्म्ड एज लैटिट्यूड. सी ये जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स है ना ये एक इमेजिनरी लाइन्स है जिसे कि हम लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए ग्लोब के ऊपर बनाते हैं, बना हुआ है. और जो एक इक्वेटर है वो जो है उसे लार्जेस्ट सर्कल कहा जाता है, जो कि बिल्कुल लैटिट्यूड जो है, जो हमारा लैटिट्यूड है वो बिल्कुल भी पैरेलल लाइंस होती हैं इक्वेटर की. ठीक है, दीज आर सर्कुलर लाइंस, दे रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन अराउंड द अर्थ. ये लाइंस जो हैं सर्कुलर वे में है, मतलब अर्थ हमारा सर्कल में है तो ये लाइंस भी गोल अर्थ के ऊपर हैं जो कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ रन करती हैं. द साइज ऑफ दीज लाइंस डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टू नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन. जो ये जो लाइंस हैं इस जैसे वो इक्वेटर की तरफ से नॉर्थ और साउथ की तरफ जाती है तो इसकी लाइंस जो हैं वो डिक्रीज करती हैं. मतलब जो इक्वेटर पे जो लाइन होती है जैसे वो नीचे की तरफ आती है ना तो नीचे की तरफ आते आते वो छोटी मतलब पतली हो जाती है, छोटी हो जाती है. ठीक है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर देयर फोर कॉल्ड पैरेलल लैटिट्यूड. और ये लाइंस जो हैं वो बिल्कुल पैरेलल होती हैं एक दूसरे की, इसलिए इन्हें पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहा जाता है. इक्वेटर रिप्रेजेंट 0 degrees लैटिट्यूड सिंस द डिस्टेंस ऑफ द पोल्स फ्रॉम द इक्वेटर इज 1/4 ऑफ 360 दैट इज 90 degrees. जो इक्वेटर होता है इक्वेटर पर लैटिट्यूड की वैल्यू जो होती है वो एकदम 0 degrees होती है, लेकिन वही जो पोल्स पर आते हैं तो पोल्स पर आते ही उनकी वैल्यू जो है वो 90 degrees हो जाती है, क्योंकि 360 degrees का हमारा पूरा वो अर्थ का जो सर्कल है वो 360 का होता है, उसका 1/4 मतलब 90 degrees के बराबर होता है.
The north pole is 90 degree and the south pole is also 90 degree. Hence, in all the latitudes, north of equator is referred to the north latitude and south of equator as south latitude. Okay. सी अब इसके अलावा भी कुछ लाइंस हैं जो कि हमें अर्थ पर देखने को मिलती हैं, जो कि मैं आपको इस इमेज के थ्रू दिखाती हूँ. देखिए, जो इक्वेटर है वो बीच में सेंटर में एकदम येलो लाइन दिख रही है आपको, वो एकदम इक्वेटर है. ठीक है, इसके ठीक ऊपर की जो लाइन होती है, ठीक है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाता है. उसके ऊपर आर्कटिक सर्कल, और इधर नीचे की तरफ आएंगे तो नीचे की तरफ सबसे पहले ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आता है और उसके नीचे अंटार्कटिक सर्कल होता है. लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के अलावा भी ये लाइंस हमें ग्लोब्स के ऊपर देखने के लिए मिलती हैं, जो कि हमें अर्थ के कैलकुलेशन, अर्थ का डिस्टेंस वगैरह को कैलकुलेट करने में हेल्प करती हैं. सी अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं. हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हीट जोन्स. द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री हीट जोन्स. दे आर ऑल्सो नोन एज क्लाइमेटिक जोन्स. दीज हीट जोन्स आर द टॉरिड जोन, द टेम्परेट जोन एंड द फ्रिज जोन. द अर्थ जो है उसको, जैसे कि हमने ये देखा था इक्वेटर, ठीक है, ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और उसके नीचे ऊपर फ्रिज अंटार्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल, और नीचे अंटार्कटिक सर्कल. अब जो ये इसका जो बीच का एरिया होता है ना, ये कैसा होता है? अब जो इक्वेटर वाली लाइन होती है, जहाँ पर इक्वेटर होता है ना, वो लाइन एकदम सन के एकदम स्ट्रेट होती है. क्योंकि आपको पता है, यहाँ पर आकर के जहाँ ये टॉरिड जोन लिखा हुआ है ना, यहाँ पर सन होता है. और जब ये सोलर सिस्टम में जब ये घूमता है तो अर्थ घूमेगा सीधा, लेकिन इक्वेटर के ऊपर स्ट्रेट सन रेज पड़ती हैं. तो इसलिए सन रेज जब सीधा पड़ती है तो इक्वेटर के पास वाला जो एरिया होता है वो काफ़ी गर्म होता है. ठीक है, तो इसलिए इसको टॉरिड जोन कहते हैं. और इट इज़ अ हॉट जोन. इट लाइज ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और उसके के बीच में जो इक्वेटर है उससे सटा हुआ जो एरिया है, इस एरिया को हम टॉरिड जोन कहते हैं. और ये टॉरिड जोन जो होता है वो काफ़ी गर्म होता है, काफ़ी गर्म जोन माना जाता है, क्योंकि इस जोन में सन रेज जो हैं वो डायरेक्टली स्ट्रेट पड़ती हैं. इस वजह से इस जोन को टॉरिड जोन कहा जाता है. हमारा नेक्स्ट जोन कौन सा आता है? टेम्परेट जोन. इट इज़ अ मॉडरेट जोन. देयर आर टू टेम्परेट जोन. द नॉर्थ टेम्परेट जोन लाइज बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. सी देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये आर्कटिक सर्कल के बीच में जो एरिया है ये टेम्परेट जोन कहलाता है. ये जो ग्रीन एरिया है ऊपर का, ये नॉर्थ टेम्परेट जोन है, और नीचे जो है वो साउथ टेम्परेट जोन है. जो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर या क्लाइमेट होता है ना, इस एरिया में पड़ने वाले जो कंट्रीज़ हैं उनका जो क्लाइमेट होता है ना, वो मॉडरेट होता है. ना वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ना वो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है. ठीक है, द साउथ टेम्परेट जोन लाइज बिटवीन द अंटार्कटिक सर्कल एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन द साउथर्न हेमिस्फीयर. द क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन इज मॉडरेट ड्यू टू द स्लैंटिंग सनरेज. यहाँ पर जो सनरेज होती है ना, वो थोड़ा तिरछा जाती है, तिरछे से मतलब स्ट्रेट नहीं जाती. स्ट्रेट तो इक्वेटर पर जाती है, और यहाँ जो सर्कल है, सर्कल से थोड़ा सा वो तिरछे की तरफ जाती हैं. इस वजह से सनरेज थोड़ा स्लैंटिंग हो जाती है. तो इस वजह से यहाँ पर जो है गर्मी भी पड़ती है और सर्दी भी पड़ती है, मतलब यहाँ का एटमॉस्फेयर इक्वल होता है. चलो, हमारा लास्ट पॉइंट है फ्रिज जोन. फ्रिज जोन्स मीन्स कोल्ड, ठंडा एरिया. जस्ट लाइक द टेम्परेट जोन, देर आर टू फ्रिज जोन्स. इन द नॉर्थन हेमिस्फेयर इट इज सिचुएटेड बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल, एंड इन द साउथर्न हेमिस्फेयर इट इज सिचुएटेड बिटवीन अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल. सी जिस तरीके से टेम्परेट जोन दो थे, क्योंकि इक्वेटर अर्थ को पांच पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, तो एक तो इक्वेटर, उसके ऊपर आर्कटिक सर्कल और उसके ऊपर नॉर्थ पोल, और इधर अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल. इनके बीच बीच का जो एरिया है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं. तो जो ये फ्रिज जोन है, ये फ्रिज जोन अंटार्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच का जो पार्ट होता है ना, जो एरिया है, उसको हम नॉर्थन हेमिस्फेयर में पाया जाए नॉर्थ फ्रिज जोन कहते हैं, और इधर साउथ में साउथ फ्रिज जोन कहते हैं. ये जो ब्लू कलर का जो एरिया दिख रहा है, समझ में आ रहा होगा.
This place lying in these two free zones remains very cold throughout the year because of the extreme slant of the sun rays which hardly reach these places. See, इस एरिया में ना सन रेज बहुत कम आती हैं, बहुत कम पड़ती हैं. इस वजह से इस एरिया में जो कंट्रीज़ पाई होती हैं, जो इस एरिया में जो कंट्रीज होती है ना, उन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है पूरे साल. पूरे साल उन एरियाज़ में काफ़ी ठंड पाई जाती है. से हमारा लास्ट पॉइंट है लॉन्गिट्यूड्स. लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइंस रनिंग वर्टिकल फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल. लॉन्गिट्यूड्स आर ऑल्सो नोन एज मेरिडियंस. दीज आर 360 मेरिडियन इन ऑल. द प्राइम मेरिडियन इन द सेंट्रल लॉन्गिट्यूड विच डिवाइड्स अर्थ इन टू टू वर्टिकल हाफ्स एंड द ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फेयर. इट रन्स थ्रू प्लेस कॉल्ड ग्रीनविच इन इंग्लैंड एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीनविच मेरिडियन. सी अभी हमने पढ़ा था लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा, उसके साथ साथ हमने इक्वेटर के बारे में पढ़ा, फिर वो जोन्स के बारे में पढ़ा. अब ये लॉन्गिट्यूड्स के बारे में हमें पढ़ना है कि जो लॉन्गिट्यूड्स लाइंस हैं वो वर्टिकली चलती हैं. वर्टिकल लाइंस हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं, ये भी हम जानते हैं. और ये साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं. जो ये लॉन्गिट्यूड्स हैं इन्हें हम मेरिडियंस भी कहते हैं. और इस पूरे ग्लोब पर 360 डिग्री के मेरिडियंस होते हैं पूरे ग्लोब पर. द प्राइम मेरिडियंस इन द सेंट्रल लॉन्गिट्यूड विच डिवाइड्स द अर्थ इन टू टू वर्टिकल हाफ. जैसे कि लैटिट्यूड जो था वो अर्थ को टू पार्ट्स में, इक्वेटर जो है वो अर्थ को टू पार्ट में डिवाइड करता था, साउथर्न एंड नॉर्थर्न हेमिस्फेयर. उसी तरीके से जो लैटिट्यूड्स हैं इसका जो प्राइम मेरिडियन, जो सेंटर का जो लाइन होता है, सेंटर वाला जो लाइन रहता है प्राइम मेरिडियन, देखिए एकदम रेड कलर की लाइन दिख रही है ना आपको, एक बीच में ऊपर से नॉर्थ पोल से स्टार्ट हुई और साउथ पोल पर ख़त्म हुई, तो ये जो है ये प्राइम मेरिडियन है, सबसे सेंटर की लाइन है लॉन्गिट्यूड की. तो ये जो है अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर के रूप में. और ये जो सेंटर लाइन है ये इंग्लैंड की एक एरिया है ग्रीनविच, वहाँ से ये लाइन रन करती है, इसलिए इस लाइन को हम ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं. और यहीं से हम जो टाइम का कैलकुलेशन होता है ना, ये टाइम का कैलकुलेशन हम इसी पॉइंट के थ्रू करते हैं. होप आप सभी को ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और आप सभी को ये चैप्टर भी समझ में आ गया होगा. थैंक यू सो मच.